हेलो बच्चों, वेलकम टू सीयूईटी पेपर्स। देखिए, सभी लोग जो सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं उन्हें एक ही बात कही जाती है कि 12th का सिलेबस और सीयूईटी का सिलेबस दोनों सेम है, बस 12th की तैयारी करो, सीयूईटी की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल सही है, बट सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है आपको समझना जरूरी है। क्या आपको ये पता है कि आपका 12th का केमिस्ट्री का जो सिलेबस है और सीयूईटी का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसमें टोटल 6 यूनिट का डिफरेंस है? जी हाँ, 6 यूनिट ज्यादा है सीयूईटी के सिलेबस में। वो कौन सी यूनिट है, उनको कैसे प्रिपेयर करना है, उनके नोट्स कैसे मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज कैसे मिलेंगे, उन सभी पर आपसे बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मदद मिलती है अगर इस वीडियो से तो जरूर से इसे लाइक कीजिएगा, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है, बिल्कुल सही बात है कि सीयूईटी और 12th का सिलेबस बिल्कुल सेम है, बट ये जो 12th का सिलेबस है ये कोरोना के पहले वाले सिलेबस की बात हो रही है, अभी के सिलेबस की बात नहीं हो रही है। अभी तो जो 12th का सिलेबस है वो कैसा है, डिलीटेड सिलेबस है, रैशनलाइज्ड सिलेबस है, राइट? तो वो कौन सी 6 यूनिट है जो सीयूईटी में ज्यादा पूछने जाने वाली है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो नोट करते जाइए कौन कौन सी यूनिट है। ये जो सिलेबस है ये सीयूईटी का सिलेबस है, ठीक है? तो आपको बता देती हूँ मैं कि सीयूईटी के सिलेबस में जो है एक यूनिट है सॉलिड स्टेट। सबसे पहले सॉलिड स्टेट जो पहले 12th में होती थी केमिस्ट्री में, बट अभी रैशनलाइज कंटेंट के कारण सॉलिड स्टेट आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक ये जो यूनिट है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, ठीक है? बाकी आपने सॉल्यूशन पढ़े हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये सभी चीजें आप पढ़ रहे हैं, है ना? ये भी पढ़ रहे हैं आप, राइट? सॉल्यूशंस भी आप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो सॉलिड स्टेट एक एक्स्ट्रा हो गया आपके लिए। सरफेस केमिस्ट्री आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है क्योंकि 12th में अभी रैशनलाइज्ड उसमें नहीं है, ठीक है? तो सरफेस केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे अभी, राइट? लेट मी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, तो ये 2 यूनिट हो गई। उसके बाद जनरल प्रिंसिपल, ओके, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी आपने नहीं पढ़ा है अभी 12th में, तो ये आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है। पी ब्लॉक्स भी आपने 12th में नहीं पढ़े हैं, तो ये भी आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो 4 यूनिट तो यही हो गई। अभी आपको मैं बताती हूँ कि 5th और 6th यूनिट कौन सी है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, ठीक है? डी एंड एफ ब्लॉक्स आप पढ़ रहे हैं अभी अपने 12th में, तो सेम है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, सेम है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं, एल्कोहल फिनोइल एंड इथर पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, सेम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, मतलब कि एमाइंस पढ़ रहे हैं आप, है ना? वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की। तो बायोमोलिक्यूल्स भी आप अपने सारे पढ़ रहे हैं, है ना? हॉर्मोन्स भी उसमें इंक्लूडेड है। ये और कौन सी यूनिट नहीं है, तो पॉलीमर्स, ठीक है, एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये हुई 4th और 5th यूनिट जो आपको अपने 12th से अलग एक्स्ट्रा पढ़नी है। अब आप ये कैसे पढ़ेंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट नोट्स की एक लिंक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां पर आपकी कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, आपके कैरियर से रिलेटेड, वो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है? वहीं पर हम रेगुलरली एमसीक्यूज एंड जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी शेयर करते रहते हैं, राइट? तो डायरेक्ट भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वो जो है 6 यूनिट्स है, राइट? तो 4 मैंने आपको पहले बता दी और 2 ये 6 यूनिट्स, ठीक है? पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आगे बढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट पेज पर जो है सॉलिड स्टेट, ये आपने नहीं पढ़ा है, सरफेस केमिस्ट्री आपने नहीं पढ़ा है, जनरल प्रिंसिपल,
प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं पढ़ा है, पी ब्लॉक्स नहीं पढ़े, ठीक। तो इनकी आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। डायरेक्ट आपके हेल्प के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और लिंक्स हैं, वहां से जाकर के आप अपने नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, एंड फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।